तो क्या हाल है दोस्तों, सब मस्त। मैं हूँ शिवम और आप देख रहे हैं क्रिकेट इज एवरीथिंग। दोस्तों इस वीडियो में आपको बैटिंग की कुछ डिटेल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वो डिटेल्स हैं आज कि एज अ बैट्समैन ट्रिगर मोमेंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और वो आपने कैसे करना है, कौन सी बारीकियाँ होती है उसमें, तो ये सब आपको पता चलने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। जब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रिगर मोमेंट में हमने कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इससे पहले मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उसमें मैंने ट्रिगर मोमेंट के फ़ायदे बताए हैं कि ट्रिगर मोमेंट से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कौन सी बारीकियों का ध्यान रखना है अपने। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने बताया था कि तीन टाइप के ट्रिगर मोमेंट होते हैं जो नेचुरल सिलेक्ट करना है आपका कि कौन से किस टाइप के आप बैट्समैन हैं। सो गाइस, सबसे ज़्यादा सजेस्ट जो होता है कोचेस द्वारा वो होते हैं कि बैक एंड अक्रॉस शफल मोमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको। तो उसमें जो ज़्यादातर आपने क्या ध्यान रखना है कि ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो लेग स्टंप वाली लाइन पर ही अपना गार्ड लिया और फिर बैक एंड अक्रॉस करेंगे तो फिर ये मिडिल स्टंप पर आ जाएंगे, फिर अंदर वाली बॉलों के लिए दिक्कत हो सकती है उन्हें। तो इस बात का उन्होंने खास ध्यान रखना है कि अगर आपने बैक एंड अक्रॉस वाला ट्रिगर मोमेंट करना है सो फ्रेंड्स, उसके लिए आप फोर्थ स्टिक पर अपना लाइन मारोगे, आप फोर्थ स्टिक पर। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, आपने फोर्थ स्टिक पर लाइन मारा, जैसे ही बॉलर बैंड रहना है वैसे स्टांस में जैसे रहते हैं, और फ्रेंड्स जैसे ही बॉलर बॉल रिलीज़ करने वाला हो, मतलब इस जगह पर हो हाथ बॉलर का, ये देखना है आपने, तो उस जगह आपने फिर से बैक एंड अक्रॉस इस जगह पर आना है। मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ओपन, मतलब ऐसे ऊपर खड़े होगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, तो आपने बैंड रहना है इसमें। बस आपका पैर हिलेगा, उसके बाद पूरी बॉडी, मतलब हेड भी स्टेबल रहना चाहिए पूरा। ये नहीं कि आपका हेड भी ऐसे टेढ़ा मेरा आगे पीछे जा रहा है तो दिक्कत हो सकती है आपको। सो फ्रेंड्स, आपने क्या ध्यान रखने हैं कि पहले तो आप फोर्थ स्टिक पर अपना वो करोगे बैक एंड क्रॉस मोमेंट के लिए, फिर हल्का सा ये पैर पीछे करोगे, मतलब लेग स्टंप पर लाओगे, फिर हल्का सा ये वाला पैर अपना इधर लाओगे बॉल की लाइन के करीब। सो और उसके बाद फ्रेंड्स, और अपना हेड का जो खास ध्यान रखना है कि आपका हेड सेंटर में होगा पूरा, ना आगे ना पीछे, एकदम सेंटर में रहना चाहिए वेट। उसके बाद ही, मतलब अगर आपका वेट सेंटर में नहीं रहेगा हेड, तो फिर आगे पीछे आने में आपको दिक्कत हो सकती है। सो आपका वेट बैक एंड अक्रॉस मूवमेंट में ऐसे सेंटर में रहना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे इसमें आपने। तो गाइस, इस वाले एंगल से आप ये ट्रिगर मोमेंट देख सकते हैं कि कैसी होगी आपकी। तो इस एंगल से आपको आपका हेड पोजीशन पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, ये ट्रिगर मोमेंट हम फास्ट बॉलर खूब करते हैं ज़्यादातर। सो फ्रेंड्स, बैक एंड अक्रॉस ट्रिगर मोमेंट के लिए पहले लेग स्टंप वाली लाइन नॉर्मल, और फ्रेंड्स पैर अपना हल्का सा वाइड रखना है, और बैकलिफ्ट इस जगह आप देख सकते हैं इस एंगल से, और बैंड रहना है पूरा ऐसे, और फ्रेंड्स ये इस तरह का आपका ट्रिगर मोमेंट होगा, इस तरफ का ये वाला पैर हमने इधर करना है, वैसे मैं बता चुका हूँ सामने एंगल से भी। तो इस एंगल से आप देख लें कि आपका हेड का, मतलब वेट जो है वो सेंटर में होना चाहिए ऐसे, सिर्फ आपका पैर मूवमेंट हिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं हिलेगा। अगर आपका और बॉडी मूव करने लग जाएगी तो आप बैलेंस खो सकते हैं, और आपका हेड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपका हेड आगे नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पीछे होना चाहिए। सो अगर आपका हेड सेंटर में है तब आराम से आप सामने वाली बॉलों को भी जा सकते हैं आराम से, और अगर बॉल पीछे आ रही है, हेड सेंटर में है आपका, तो आप आराम से पीछे आके भी खेल सकते हैं इधर। सो गाइस, वो वाला ट्रिगर मोमेंट बैक एंड क्रॉस ट्रिगर मोमेंट था। तो इसमें ये भी एक नेचुरल ट्रिगर मोमेंट है, उस इसे भी चाहो तो आप पिक कर सकते हो अगर आपके कंफर्ट जोन में बैठते हैं तो। सो फ्रेंड्स, इसमें भी आपने क्या ध्यान रखना है कि जो कई बैट्समैन होते हैं वो इस टाइप का भी ट्रिगर मोमेंट करते हैं कि मान लो आपने लेग स्टंप की लाइन पर ऐसे गार्ड रखा है अपना, और फ्रेंड्स कई जो बैट्समैन होते हैं वो उसी लाइन पर ऐसे हल्का पीछे हो जाते हैं, वो बैक एंड अक्रॉस नहीं जाते हैं, तो बैक एंड अक्रॉस मोमेंट में ये वाली मोमेंट होती है। लेकिन जो कई बैट्समैन होते हैं उनको ये अच्छा लगता है कि वो उसी लाइन पर पीछे होकर अपना सब कुछ करते हैं। सो ये इसमें भी क्या ध्यान रखना होता है आपने कि फ्रेंड्स आप लेग स्टंप की लाइन पर रखें अपना, लेग स्टंप की लाइन पर रखें, और इसमें भी ध्यान रखें कि आपका पैर इसमें भी ऐसे कमिट नहीं होना चाहिए आगे की तरफ, और हेड जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो दोनों ही केस में सेंटर में होना चाहिए ऐसे। सो
ये आप देख सकते हैं कि ये वाला ट्रिगर मोमेंट काफ़ी बारीक है थोड़ा, ये उसी लाइन पर ऐसे कई बैट्समैन अपना ट्रिगर मोमेंट करते हैं, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम साइड एंगल से भी देखेंगे एक बार, तो कैमरा साइड एंगल में जाएगा अभी, चल। सो फ्रेंड्स साइड एंगल से आप एक ये जो पीछे वाला ट्रिगर मोमेंट है इसको भी आप देख लें कि फ्रेंड्स कैसे होता है। मान लो आपने बैंड हुए ऐसे, और फ्रेंड्स ये उसी लाइन पर हमने ऐसे जाना है पीछे होकर ऐसे, और हेड आप देख सकते हैं कि हेड मेरा सेंटर में पूरा, ना ही आगे है ना ही पीछे ज़्यादा। तो आपका जो वेस्ट लाइन है उसी पर आपका वेट होना चाहिए, ऐसे दोनों पैरों पर बराबर इक्वल वेट होना चाहिए। सो और फ्रेंड्स इसमें भी ध्यान रखना है कि आपका ये पैर आगे ना जाए, ये मैं बता चुका हूँ, ये गलती आपने बिल्कुल ही नहीं करनी है ट्रिगर मोमेंट करते टाइम, और बेंड रहना है ऐसे बस, और हेड सेंटर में। तो गाइस इस वाले एंगल से आप बैक वाली जो ट्रिगर मोमेंट होती है उसको भी आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये मान लो आप खड़े हो ऐसे नॉर्मल लेक्सम का गार्ड लेकर, और फ्रेंड्स इसमें क्या होता है इसी लाइन पर हमने जाना है। तो कैसे होता है ये, आप बैंड है ऐसे और उसी लाइन पर हमने पीछे जाना है, और वेट हमारा सेंटर में है। तो ट्रिगर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हम फास्ट बॉलर को फेस कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सा ज़्यादा बेस्ट लगते हैं। तो जो मोस्टली मैंने बताया था कि जो बैक एंड अक्रॉस वाला है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो क्योंकि आपको एरिया वगैरह ज़्यादा मिल जाता है इसमें ड्राइव वगैरह के लिए। तो ये वाला जो बैक एंड अक्रॉस ट्रिगर मोमेंट है विराट कोहली भी करते हैं, और कईयों का नेचुरल होता है, जो अगर आपका नेचुरल ये वाला बनता है तो आप ये वाला भी ट्रिगर मोमेंट कर सकते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर को फेस करने में आसानी होती है। सो गाइस जो तीसरी ट्रिगर मोमेंट है वो होती है फैंस की, कई जो बैट्समैन होते हैं वो उसी जगह पर अपना वेट बैंड कर देते हैं हल्का सा, जो मान लो उनका स्टांस ऐसा है तो उसी जगह पर हल्का सा बैंड होकर रेडी हो जाते हैं, तो इससे भी उन्हें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो इसमें आपने क्या ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इसमें बैक एंड अक्रॉस की तरह आपने फोर स्टंप वाला गार्ड नहीं रखना है, और मतलब लेग स्टंप वाली जो लेग स्टंप वाला गार्ड ही रखना है, क्योंकि अगर फ्रेंड्स आप ये दूर रहोगे ऐसे दूर रख के ये वाली पोजीशन करोगे, ये वाला ट्रिगर करोगे, तो आप बाहर वाली बॉलों पे दूर हो जाओगे और आपका एज जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि आपने हमेशा फोर स्टंप सॉरी लेग स्टंप वाला गार्ड रखना है, और उसी पर अपना जो बैक वाला मूवमेंट भी और फ्रंट वाला भी इस तरह ही करना है, और बाकी सब कुछ सेम, हेड आपका सेंटर में होना चाहिए, तो इसका आपने ध्यान रखना है, और बाकी सब कुछ वैसे ही सेम है, हल्का सा बस हल्का सा ये मान लो नॉर्मल पोजीशन है, और ट्रिगर के साथ ही हल्का सा उसी जगह पर बैंड हो जाते हैं हल्का सा। तो ये पोजीशन होती है तीन टाइप का ट्रिगर मोमेंट। मैंने वीडियो आप बैटिंग टिप्स की प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि आपकी गेम को बेहतर बनाने के लिए मतलब हैं। सो और फ्रेंड्स हंसना सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो मेरी फन एंड ब्लॉग की प्लेलिस्ट आपने ज़रूर चेक करनी है, उसमें काफ़ी नवी वीडियोस हैं और काफ़ी नवी वीडियोस आने भी वाली हैं नवे कंटेंट के साथ। तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल पर, तो आपको चैनल के साथ जुड़ के मतलब एंजॉय करना है, आपने क्रिकेट सीखना भी है क्रिकेट एंजॉय भी करना है, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है कुल मिला के। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंजॉय गेम, गुड बाय।